नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को जी परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। राजधानी भोपाल में धूमधाम से दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग मां लक्ष्मी की पूजा के लिए खरीदारी कर रहे हैं। पूजन सामग्री के भाव में तेजी आई है। 10 रुपए की माला 50 से 70 रुपए तक बेची जा रही है। आज रोशनी के त्योहार की धूम है, उसकी रौनक हर तरफ दिखाई दे रही है। मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए लोग भारी संख्या में बाजारों में उमड़ रहे हैं खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आज शाम को मां लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा, तो उसके लिए तमाम सामग्री जुटा रहे हैं। और लेकिन बाजारों में आज के दिन खास तौर पर फूल से लेकर सारी पूजा की सामग्री काफी महंगी मिल रही है। जो माला 10 रुपए की मिला करती थी, आज उसको 50 से 70 रुपए में बेचा जा रहा है। आज दीपावली का पर्व है और मां लक्ष्मी की पूजा होनी है, और ऐसे में लोग जो है बड़ी खरीदारी करने बाजारों में पहुंच रहे हैं, पूजन सामग्री करने। बड़ी संख्या में लोग जो है बाजारों में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। लोगों की भीड़ जो है बाजारों में नज़र आ रही है। सर, क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ खरीदारी चल रही है पूजा को लेकर? बस वही पूजा का सामान जो लगता है, सुबह पूजा होना है, फूल फल वगैरह मिठाई वगैरह वो सब ले रहे हैं। और लक्ष्मी जी की मूर्ति वगैरह सब, ये सब तैयारी, बेसिक तैयारी जो चलती है वो सब कर ली। तो देखेंगे, काफ़ी उत्साह लोगों में है। मां लक्ष्मी की पूजा आज शाम को होगी, धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। तो ऐसे में जो है बड़ी संख्या में लोग बाजारों में खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कितनी बिक्री हो पा रही है, कितने लोग पहुँच रहे हैं? सर, अभी तो बहुत भीड़ आ रही है वैसे तो। बस अभी मॉर्निंग है तो क्या, अभी लोग वग निकले नहीं है। हाँ। हो सकता है शाम तक आने का चांस है। हाँ। बिक्री भी अच्छी हो रही अच्छा है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस अच्छा है। हाँ। अच्छा रिस्पांस है। तो देखिए, दुकानदार भी खुश है, कहना है कि इस बार जो है उनकी बिक्री काफी हो रही है। देखिए, आज दीपावली का पर्व है और धूमधाम से लोग जो है इस दीपावली का पर्व को मना रहे हैं। आज शाम माँ लक्ष्मी की पूजा होनी है, लोग पूजा की सामग्री खरीदने बाजारों में पहुंच रहे हैं। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया भोपाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर उमरिया से है, जहां हाथियों की मौत मामले की जांच होगी। वन मंत्री रामनिवास रावत ने जांच के आदेश दिए हैं। 10 दिनों में अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 8 हाथियों की मौत हुई है और इसको लेकर अब जांच की जाएगी कि आखिर किन वजहों से इन हाथियों की मौत हुई है। वन मंत्री रामनिवास रावत ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। 10 दिनों में अधिकारियों से जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है। मैंने इसके जांच के भी निर्देश दिए हैं, पूरा एरिया सील्ड करके जांच कराने के निर्देश दिए हैं, टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। टीम गठित हो गई और जांच भी हो रही है। इसकी गहन जांच और गहन परीक्षण, सब परीक्षण कराया जा रहा है। जो भी इसमें दोषी होगा उसे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारे सहयोगी परमेश्वर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। परमेश्वर, वन मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, किन किन आधार पर जांच की जाएगी? जी, मैं आपको बता दूं, वन मंत्री रामनिवास रावत का इसमें बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने 10 दिन में जांच रिपोर्ट यहां पर अधिकारियों से मांगी है। उनका साफ कहना था कि मैं चुनाव में लगा हुआ हूं, लेकिन मेरी इस पूरे मामले पर निगाह है। अभी तक 8 हाथियों की सिलसिलेवार मौत हुई है, जिसमें प्राथमिक जो जांच में पाया गया है कि पॉइजन जहर की वजह से ये मौत सामने आ रही है। लेकिन वन मंत्री ने साफ कहा कि इसमें SIT गठित कर दी गई है। SIT के अलावा कुछ उच्च लेवल अधिकारियों की एक टीम भी, और उनके द्वारा जो वरिष्ठ अधिकारी, उसके माध्यम से भी इसमें जांच की बात उन्होंने कही है। साफ तौर पर इस पूरे मामले पर वन मंत्री ने दुख जताया है, और लगातार जिस तरह से हाथियों की मौत हुई है उस पर उन्होंने साफ कहा है कि हाथी गणेश जी के रूप में होते हैं, और दीपावली पर इस तरह की ये दुखद घटना बहुत दुखद है। इस पर गहरा दुख उन्होंने जताया है, और साफ तौर पर 10 कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात यहाँ पर वो कहते नजर आए हैं। उनका साफ कहना था कि रिजर्व जो वन क्षेत्र है वहां पर बांधवगढ़ का, उसको सील कर दिया गया है, जांच लगातार की जा रही। ठीक है परमेश्वर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नीमच में पुलिस ने बीजेपी के दो विधायकों के समर्थकों को रोक दिया था। स्वागत सूची में समर्थकों के नाम को लेकर तकरार। दरअसल सीएम मोहन यादव हाल ही में नीमच पहुंचे थे, जब पीएम मोदी ने मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली शुभारंभ किया था। बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने स्वागत के लिए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी को हेलीपैड पर जाने से रोका था। जब विधायक दिलीप सिंह परिहार से समर्थकों ने शिकायत की तो जावेद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा से तीखी बहस हो गई। विधायक दिलीप सिंह ने तो इतना तक कह दिया कि जावेद तक ठीक है, यहां दखल अंदाजी क्यों। दोनों विधायकों ने एक दूसरे से बात करने से मना करने की धमकी तक दे डाली। वहीं सीएम और संगठन तक इस घटना की जानकारी पहुंच गई है। हमारे सहयोगी प्रीतेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रीतेश, क्या हुआ था? मंगलवार सुबह का है, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण पर शिरकत करने के लिए नीमच पहुंचने वाले थे। हाँ। उससे पहले ही मुख्यमंत्री का इंतजार दोनों विधायक, जावद विधायक और नीमच विधायक कर रहे थे रिसेप्शन पे। इसी दौरान जो है कार्यकर्ताओं की सूची में नाम नहीं होने की वजह से दोनों विधायकों के बीच में तीखी बहस हो गई। दरअसल दिलीप सिंह परियार जो है नीमच विधायक है, उनका कहना था इसमें मेरे मंडल अध्यक्ष का नाम नहीं है। और दिलीप सिंह परियार विधायक ने तो यह तक भी कह दिया जावद विधायक को कि आप जावद तक आपकी दखल अंदाजी करें वहां तक ठीक है, लेकिन आप नीमच में इंटरफेयर ना करें। तो आप जो है बिल्कुल तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से दोनों के बीच में जो है तीखी बहस हो रही है। सीएम और संगठन तक क्योंकि ये मामला पहुंच चुका है, क्या वहां से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है कि इसके अंदर की जनप्रतिनिधि जो है एक समाज में एक आइकॉन होता है, और इस तरह से बहस करना तो निश्चित रूप से ये पूरा मामला जो है संगठन स्तर पर और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया गया है, ऐसा इस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रीतेश। गोवर्धन पूजन के आदेश पर विधायक आरएफ मसूद ने एतराज जताया है। आरएफ मसूद ने कहा है कि ऐसे आयोजन की आवश्यकता क्या है, मंत्रियों को क्यों निर्देशित किया गया है कि वो गोवर्धन और शस्त्र पूजन करें, जो सड़कों पर गाय हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। बरसों से शस्त्र पूजा हो रही है, बरसों से लाइन के अंदर शस्त्र पूजा होती है, नेताओं को जाने की, मंत्री विधायकों को जाने की क्या आवश्यकता है? जो अपने घर पे जो उनको लाइसेंस ही उनका जो होगा, अगर जिसके पास तो उसकी पूजा करे। जैसे गोवर्धन पूजा बरसों से हो रही है, अगर गोवर्धन पूजा करना है और मुख्यमंत्री जी वास्तव में गोवर्धन के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, तो जो सड़कों पर घूम रही है इन्हें लेके गौशालाओं पर लेके जाएँ और गौशालाओं का पैसा बढ़ाएँ और गौशालाओं की व्यवस्था करें, तो हम स्वागत करेंगे और मानेंगे कि आप गोवर्धन पूजा का सही से एहतराम कर रहा हो, वरना ढोंगे इसके अलावा कुछ। उधर नरसिंहपुर में आग का तांडव देखने को मिला है। दो कच्चे मकान में यहां आग लग गई, अनाज खाद जलकर खाक हो गया है। ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। आग किस वजह से लगी ये अभी साफ नहीं है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दिवाली के त्योहार पर नरसिंहपुर में आग का तांडव देखने को मिला, जहां दो कच्चे मकान में भीषण आग लग गई और यहां इन मकानों में अनाज रखा हुआ था, खाद रखा हुआ था, जो जलकर खाक हो चुका है। आप समझिए कि वो खाद जलकर खाक हो गया जिसको लेने के लिए किसानों को कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, वो अब जलकर खाक हो चुका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर वन चैनल जी मध्य प्रदेश।